करके सभी स्टूडेंट के लिए सोचते कि सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है 1 दिसंबर से बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए एक नया नियम जो है लागू होने वाला है और बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट को जो है 1 दिसंबर से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है। 55,000 सरकारी स्कूलों में जो है अब शिक्षक लगेंगे। बीएड व डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको जो है 21,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी जो है दिया जाएगा। 21,000 रुपये जो है पर मंथ पैकेज आपको जो है मिलेगा और बीएड कर बेरोजगार नहीं घूमेंगे छात्र। अब किसी भी स्टूडेंट को जो है बेरोजगारी का सामना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं और बीएड करने वाले स्टूडेंट को जो है बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी के डेट में एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ग्रेजुएशन कम्प्लीट करता है, बीएड कोर्स करता है शिक्षक बनने के लिए, लेकिन वो किसी कारणवश जो है टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाता। और कई स्टूडेंट का टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो भी जाता है लेकिन वो टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास जो आय का इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है। क्योंकि बिना पैसों के, बिना एक अच्छे सैलरी के, जब तक आपको एक अच्छा वेतन न मिले तब तक आप अपने लाइफ को एक बेहतर नहीं बना सकते, आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, अपने सभी सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सभी सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए एक अच्छी सैलरी पाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण ये अपडेट्स निकल कर आया है और इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट को जो है देखने को मिलेगा और 55,000 सरकारी स्कूल में जो है शिक्षक भर्ती लगेंगे 1 और 2 दिसंबर से। इसके लिए आप लोगों के लिए नियम जो है लागू हो जाएंगे और 21,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी जो है दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है, बिगेस्ट अमाउंट है। इससे आपके लाइफ जो है बहुत अच्छे से बेहतर हो सकता है और आपको ज़िंदगी में कामयाबी जो है ज़रूर मिल पाएगा। और बीएड कोई भी स्टूडेंट, बीएड वाले स्टूडेंट को जो है बेरोजगार किसी भी तरह से नहीं रहना होगा और आप लोगों को एक बेहतर सैलरी जो है दिया जाएगा और अपने लाइफ को जो है आप बहुत अच्छे से बेहतर बना सकते हैं और आप अपने सभी सपनों को जो है पूरा कर पाएंगे। और इस समय जो है छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पहले भी शिक्षक के भर्ती निकला है छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षक के पोस्ट। और उसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षक का भर्ती, शिक्षक का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12,489 पोस्ट है, इस 12,489 पोस्ट जो निकल कर आया, अगर आप इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि टेट का एग्ज़ाम जो 18 सितंबर को हुआ था, 6 अक्टूबर को मॉडल आंसर आया, फिर 21 अक्टूबर को रिज़ल्ट जारी हुआ, तो यदि आप छत्तीसगढ़ में शिक्षक बन सकते हैं तो आपके सभी सपने जो है पूरे हो जाएंगे। और जो भी आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन सभी सपनों को आप जो है पूरा कर पाएंगे और ज़िंदगी में आप जो है बहुत आगे जा पाएंगे। आपको ज़िंदगी में जो है एक बेहतर लाइफ आपको जो है देखने को मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी के हर एक सपने, जो भी आपके ख्वाब हैं, उन सभी ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे। तो ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अगर अपने सभी ख्वाबों को पूरा करना है तो उसके लिए आप जो है बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, तैयारी करेंगे तो आपको उसका एक बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा और आपके जो है सभी सपने जो है ज़रूर पूरे हो पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वैकेंसीज जो है जॉब निकल कर आए, इस वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब को, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर बना सकते हैं और अपने सभी ख्वाबों को आप जो है पूरा कर सकते हैं। तो यदि आपको अपने सभी ख्वाबों को पूरा करना है तो उसके लिए आपको जी जान से जो है मेहनत करना है। यदि आप जी जान से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है ज़रूर बदलेगा और आप अपने सभी सपनों को जो है पूरा कर पाएंगे। तो 12,489 पोस्ट आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही मच अवेटेड पोस्ट है, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर हो सकता है, सभी सपनों को आप जो है पूरा कर पाएंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होते हैं। और इसके साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि 1/4 आपका जो है माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके साथ 1 नंबर आपका और कट जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स, यानी कि 4 प्रश्न गलत करने पर 5 नंबर कट जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको इन सभी चीज़ों से जो है बच कर रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर आ सके और आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उतना ही क्वेश्चन का आंसर आपको जो है सॉल्व करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर अगर पता नहीं होगा, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो फिर भी उसको, उसका कोई भी रिज़ल्ट, अच्छा रिज़ल्ट जो देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण
जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए के बाद एक जो है निकल कर आ रहा है। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की जब आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका करंट अफेयर्स के नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको करंट अफेयर्स के नॉलेज जो है इकट्ठा करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के नॉलेज के बगैर आप जो है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको करंट अफेयर्स के नॉलेज इकट्ठा करना है। करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में आपको जो है वो सभी संपूर्ण ए टू जेड नॉलेज होना चाहिए, फिर आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है आसान है, अगर आप उसके लिए उस लेवल की जो है मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो उसका एक बेहतर रिज़ल्ट आपको जो है देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है मेहनत करना है, तैयारी करना है। तो यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपका ही सिलेक्शन हो पाएगा और आपको ज़िंदगी में कामयाबी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यदि आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, सफलता पाना है, ऊँचाइयों को पाना है, सक्सेस लाइफ, अगर आपको एक बेहतर लाइफ जीना है, तो उसके लिए जो है संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क रहेगा, जितना ज़्यादा आप जो है मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, उतना ही एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल पाएगा। तो बस जो है हार्डवर्क कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपको एक बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिल पाएगा और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है। आप कभी भी ये मत सोचना कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, तो किससे होगा। तो सपने आपके हैं और सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कीजिए। और क्योंकि एक ही लाइफ है आप लोगों के पास, अगर इस एक ही लाइफ में अगर आपके एक सपने हैं और अगर आप उस एक सपने को इस एक लाइफ में अगर आप पूरे न कर पाए, तो शायद ये ज़िंदगी आपके कोई काम का नहीं है, शायद ये ज़िंदगी आपको जो मिली है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अपना वैल्यू बनाना सीखिए, पॉजिटिव रहिए, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर भी जो है भरोसा करना सीखिए, आपको कामयाबी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, नाम फेम पैसा वो सब कुछ मिलेगा जिसका आप जो है हकदार हैं। तो बस ज़िंदगी में जो है कुछ भी करना है, मेहनत करना है आपको, तो उसके लिए जो है मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो हम लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके वीडियो को लाइक करने से। और आप ही लोगों के लिए वीडियोस क्रिएट करता हूँ, आप ही लोगों का चैनल है, एंड वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में, फैमिली में जो है शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिल सकें। तो इसी तरह से मैं आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपडेट आप लोगों को अपलोड मैं करता रहूँगा और ऐसी आप लोगों को जानकारी मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। सो थैंक यू। इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट का मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में। सो थैंक यू।